नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड अभी मैं जा रहा हूं अपनी एक कहते हैं ना अपने सपने को सच करने के लिए। कैसे मैं आपको बताता हूं, शुरू से बचपन से शुरू करते हैं। 2010 की बात है दोस्तों, तब मेरे फादर साहब ने मेरे को पहली बाइक दिलाई थी जिसका नाम था हीरो स्प्लेंडर। उसके एक साल पहले एक बाइक लॉन्च हुई थी जो कि आज की रेट में इतना पॉपुलर है बेइंतहा पॉपुलर है, जिसका नाम है R15। जिस वक्त मुझे स्प्लेंडर दिलाई गई थी मैं उस वक्त वो खरीदना चाहता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस मेरे फादर साहब ने मुझे वो नहीं दिलाई थी। स्प्लेंडर से मैं बोर हो गया, 8 महीने में ही मैंने बेच डाली और उसके बाद ली CB ट्विस्टर होंडा की, जो कि 125cc इंजन के साथ आती थी और बहुत शानदार बाइक थी। बदकिस्मती से मेरी बाइक चोरी हो गई। चोरी होने के बाद फिर मैंने खरीदी यामा एफजेड से भी हम बोर हो गए विद इन अ ईयर। उसके बाद खरीदी अपाचे 160। उस वक्त भी मैं चाहता था R15 वर्जन 2 आ गया था उस टाइम पे, तो कि वो मैं खरीद लूं। मैं अपने फादर साहब को बहुत रिक्वेस्ट की पर फिर भी फादर साहब ने नहीं दिलवाई। रीजन क्या है कि मेरे फादर साहब तो इंटरेस्टेड है नहीं दोस्तों बाइक्स में, बिल्कुल भी 0% इंटरेस्ट है उनका। इवन वो स्कूटी चलाते हैं, बाइक वो चला भी नहीं पाते। स्कूटी उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि उनका पहला जो वाहन था वो था चेतक स्कूटर। तो उसके बाद अपाची ले ली। अपाची के बाद में मैंने सेकंड हैंड एक ले ली थी निंजा 300, जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आई, जिसने मेरा बहुत बिल फाड़ा। उसको जल्दी जल्दी से मैंने सेटल किया, बेच डाला। बेच डालने के बाद फिर ली रॉयल इनफील्ड बुलेट। बुलेट से भी बोर हो गया क्योंकि उसके टैपेट आवाज करते थे। 4 महीने बाद उसको बेच डाला। फिर ली मैंने अपाचे 200 मैंने खरीदी थी दोस्तों 2016 में। उसके बाद में तभी वो लॉन्च भी हुई थी 2016 में ही। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, फिर मेरे को लगने लगा भाई मैं तो पैसे वाला आदमी बन गया हूँ, अब मेरे को बाइक नहीं, अब मेरे को चाहिए गाड़ी। तो फिर मैंने ले ली सेकेंड हैंड स्विफ्ट। उसके बाद 2018 में मैंने ले ली थी टाटा टिगोर एंड सिविक। अभी है टिगोर भी है, टिगोर फादर साहब मैनेज करते हैं। सो हंटर ली अभी रिसेंटली। अभी मेरा मन है कि मैं अपनी ड्रीम बाइक ले ही लूं, तो अभी मैं जा रहा हूं शोरूम में और आपको मिलता हूं शोरूम जाके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कोई ओपिनियन हो आपके कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे भी @bikeone21। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं ना फ्यूचर में, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो दोस्तों फाइनली मैं शोरूम के अंदर आ गया हूं और शोरूम के अंदर आने के बाद बाइक्स मैंने देखी है। ये है R15 जो कि मोस्ट पॉपुलर बाइक है अगर हम सोशल मीडिया पे आज की डेट में देखें तो, जेन जी पब्लिक जो है वो। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर पॉपुलैरिटी चाहिए या फिर ग्रो करना है तो एक बाइक ले ली जाए। तो अभी अगर मैं बात करूँ बाइक की तो 235 के अप्रॉक्स इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आ रहा है। बाकी टेस्ट राइड व्हीकल तो मैम बोल रही हैं कि कोई अवेलेबल है नहीं, तो टेस्ट राइड तो ले नहीं पाएंगे। बाकी ना ही M T15 जो है उसका कोई टेस्ट राइड व्हीकल अवेलेबल है, ना ही R15 का कोई टेस्ट राइड व्हीकल अवेलेबल है। तो बस इतना ही है और तो कुछ खास मेरे को है नहीं, क्योंकि अगर टेस्ट राइड व्हीकल अवेलेबल होता तो मैं एक बार टेस्ट राइड लेके देखता, फिर ओपिनियन जो है वो आपके साथ में शेयर करता। परंतु पर एक चीज़ है कि समय के साथ R15 बहुत खूबसूरत होते चली गई है। अगर मैं बात करूं अपनी, सो 2009 में आई थिंक ये लॉन्च हुई थी, तब एक बहुत डिसेंट लुक था, बहुत डिफरेंट लुक था। उस टाइम पे आई थिंक करिश्मा आती थी ZMR और ये आती थी। इसके अलावा फेयरिंग में एक CBZ करके एक बाइक आती थी, उसमें भी थोड़ा सा फेयरिंग आता था 150cc सेगमेंट में। लेकिन अभी तो अगर देखा जाए सेगमेंट तो सबसे बेहतर यही दिखती है। लेकिन मेरा मन है कि मैं एक बार RS 200 और ट्राई करूं, तो एक बार मैं बजाज के शोरूम जाके RS 200 भी ट्राई करूंगा। बाकी बाइक देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, स्पेसिफिकली रेड कलर। वाइट कलर तो मैंने तस्वीरों में देखा है, वो तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है अगर उसके ऊपर से ये स्टिकर्स निकाल दिए जाएँ तो। बाकी मैम ने एक और एक वेरिएंट आता है इसका वो सजेस्ट किया, जो कि है R15 M करके, जो कि ग्रे और ब्लू इस का मिक्स आता है। बट मैं अगर लूँगा R15 तो मैं लूँगा या तो रेड कलर या फिर वाइट कलर, क्योंकि दोनों ही कलर्स को मॉडिफाई करके
अच्छे से कुछ अच्छा और बेहतर मैं इनके साथ कर पाऊंगा। सो अगर मैं बात करूं बाइक की, तो एज यूजुअल कहते हैं ना कि बहुत डेकेड्स से ये बाइक अपनी ब्यूटी को मेंटेन किए हुए है। जब लॉन्च हुई थी तब भी बेपनाह की खूबसूरत दिखती थी, एंड आज भी बेपनाह की खूबसूरत दिखती है। और इसके लेवल में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक्स कुछ भी नहीं है, बट इसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। तो जो जिन लोगों को ये कैरेक्टर की बाइक चाहिए उन लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी और भी बाइक्स हैं जिनका कैरेक्टर डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर जिनको फुल फेयर्ड बाइक चाहिए उसके लिए तो ये बेस्ट है, 2.5 लाख रुपए तक के बजट में। अगर जिनको R15 चाहिए तो अमेजिंग। बाकी मैं एक बार और कुछ टेक्निकल बातें मैम के साथ कर लेता हूँ, क्योंकि वो कैमरा पे नहीं आना चाहती हैं। क्या लेन देन कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी 235 में, और उसके बाद आपको मिलता हूँ गाड़ी में बैठ के। फाइनली हम लोगों ने बाइक कर दी है बुक अपने फेवरेट कलर में। और हम लोग, मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन आपको बता दूं, क्योंकि अगर नहीं बताया ना तो फिर आप लोग बोलेंगे भाई क्लिक बेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। चलिए रीजन मैं बता देता हूं गाइस, है क्या कि ये जो बाइक जो अभी बुक करवाई है ये बाइक मैं नहीं खरीद रहा हूं, ये बाइक मेरे मौसी के लड़के हैं वो खरीद रहे हैं। और लेकिन डिलीवरी होगी, सारी चीजें होंगी, चलाएंगे भी हम, ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि घर नजदीक है, आसपास ही है, तो महीने में एक वीडियो तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। बाकी मैंने ये बताया आपको इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं क्लिक बेट नहीं करना चाहता यार, अच्छा नहीं लगता, मतलब गंदा लगता है। थोड़ा बहुत क्लिक बेट चलता है, इतना बड़ा झूठ नहीं चलता कि मैं बोल दूं आपको मैं बाइक खरीद रहा हूं और मैं बाइक फिर पता लगे कि जी बाइक वाइक कुछ नहीं खरीदी है, बस ऐसे ही क्लिकबेट वीडियो बनाया, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको धोखे में ना रखूं। सो आई होप दोस्तों मैंने सब क्लियर कर दिया। बाइक पड़ रही है 2,25,000 की राउंड फिगर, डिस्काउंट देने के बाद, व्हाइट कलर में, और जिसको लगेंगे 5 दिन नेक्स्ट वीक होपफुली ट्यूजडे को डिलीवरी मिल जाएगी, तो डिलीवरी वाले व्लॉग का वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मौसी के जो लड़के हैं वो वीडियो में क्यों नहीं आए उसका भी एक रीजन है, ही इज अ वेरी साय गाय, वेरी साय पर्सन, एंड मैं नहीं चाहता यार किसी को जबरदस्ती करना वीडियो के लिए। अगर वो नहीं आना चाह रहे थे तो मैं ठीक है भाई, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है और दूसरे आदमी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, सही किया ना आपके भाई ने। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ कल फिर शाम को आपको 5 बजे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए, बट 5-6 बजे तक मिल लूंगा नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, छपरी यूट्यूबर्स से दूर रहिए, उनसे प्रेरित होके अपनी जान गवा मत दीजिए।